देखिए एमओपी का सवाल है, इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। कई चीजों पर चर्चा हो चुकी है, सामग्री बन चुकी है, बाकी भी चर्चा चल रही है। इससे अधिक मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। एज रिगार्ड्स ए स्पेसिफिक केस ऑफ ए स्पेसिफिक जज, आई वुड नॉट लाइक टू मेक एनी कमेंट एक्सेप्ट टू ऑब्जर्व मे बी देयर इज अ केस फॉर ग्रेटर स्क्रूटनी एंड स्क्रीनिंग ऑफ जुडिशियल। And the particular instance you have quoted only underscores the compelling need for that. And I have directed my Justice Department Secretary to follow it up on a mission mode. Hum lower court mein jaye bit la rahe hain, aapko malum, but High Court's functioning and disposal is High Court's jurisdiction and we respect that. Isliye humne appointment bhi fast track kiya, aage bhi karenge. I am going to appeal to all the honorable Chief Justices of various high courts. Please fast track cases which are 10 years old, civil and criminal. एक दूसरी बात मुझे घोषणा करनी है कि अभी आपने नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड देखा था, 7 करोड़ है ना, 7 करोड़ केसेस हैं। तो हमारी सेक्रेटरी जस्टिस मेरे पास आई थी कि वी वॉन्ट टू मेक फिजिकल वेरिफिकेशन। तो हमने अपने जॉइंट सेक्रेटरी और बाकी को फील्ड में भेजा था एंड वी फाउंड दैट मेनी केसेस आर नॉट फैक्चुअली करेक्टली रिपोर्टेड शोइंग पेंडेंस। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर खत्म हो गया, 145 खत्म हो गया। तो आई एम गोइंग टू राइट टू द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स, प्लीज इंश्योर ए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट जजेस को निर्देश दें कि अपने आप पेंडेंसी में रियल पेंडेंसी कितनी है इसको देखने की जरूरत है। शहरों में कोई वकील हो, जोधपुर में हो या पटना में हो या भोजपुर में हो या अमरावती में हो या दिल्ली में हो या मुंबई में, दे कैन ऑफर देमसेल्फ फॉर हेल्पिंग द पुअर थ्रू लीगली। और हम इस बात की खुशी है कि रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है। और हमने अपील की है हमारा जस्टिस डिपार्टमेंट टू बार काउंसिल, टू ऑल द एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट and the district courts to ensure that more and more lawyers come on board. डेढ़ महीने में अगर 100 आए हैं तो इट इज़ ए गुड थिंग, इसको हम और आगे बढ़ाएं। और अभी हम इसके लिए वैकेंसी के विज्ञापन में गए थे और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एकाध रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अप्लाई किया है, जुडिशियल ऑफिसर ने अप्लाई किया है। क्योंकि हमारे पी एम ने अपील की थी कि हम ऐसे लोगों से आग्रह करेंगे। तो लॉट ऑफ पीपल एट ए वेरी सीनियर लेवल आर विलिंग टू वर्क एज न्याय मित्र to help facilitate disposal of cases. That's a very good sign for the country. Where any digital movement is recorded, आपने रेलवे टिकट कटाया, आपने प्लेन टिकट कटाया, आपने इनकम टैक्स भरा, आपने लैंड रिकॉर्ड डिजिटली मांगा, ऑल द डिजिटल मूवमेंट इज रिकॉर्डेड। जब हमारी सरकार आई थी तो इट यूज टू बी अबाउट 80 लाख to 90 लाख पर डे, नाउ इट इज 3 करोड़ प्लस पर डे ओवरऑल। और आईटी में इट वॉज 2 करोड़ इन 2014 पर मंथ, पर ईयर पर मंथ नहीं पर ईयर, नाउ इट इज 6 करोड़। तो आउट ऑफ दैट 3 करोड़ पर डे ऑफ द डिजिटल मूवमेंट इन द कंट्री, 6 करोड़ पर ईयर इज द ओनली जुडिशियल डेटा ग्रिड वर्किंग। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट इन द लास्ट 3 years digital platform has been very effectively used by the Ministry of Law and Justice to improve access and also facilitate delivery. पिछले 3 वर्षों में कानून और न्याय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही व्यापक सदुपयोग किया है न्याय की उपलब्धता के लिए और सिस्टम की डिलीवरी के लिए। ये एक मैं पहली बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की है। मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूं कि पिछले जब से हमारी सरकार आई है हमने 249 हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति करने में सहयोग किया, 224
एडिशनल जजेस परमानेंट हुए हैं, 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने। देयरफॉर सिंस वी हैव कम टू पावर 17 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव बीन अपॉइंटेड, 249 हाई कोर्ट जजेस हैव बीन अपॉइंटेड एंड 224 जजेस हैव बीन कंफर्म्ड। और आपको मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 2016 में हमने 121 हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट किया, 126 क्षमा करिए, विच इज द हाईएस्ट एवर अपॉइंटमेंट सिंस 1989, बिकॉज एवरेज अपॉइंटमेंट हैज बीन अबाउट 75 to 85। तो हाईएस्ट एवर अपॉइंटमेंट सिंस 1989। एक दूसरा जो बड़ी बात मुझे आपसे कहनी है कि सबॉर्डिनेट ज्यूरिस्ट्री में लगभग 6000 वैकेंसी है, और सबॉर्डिनेट ज्यूरिस्ट्री के वैकेंसी को भरने में न भारत सरकार की कोई भूमिका है न राज्य सरकारों की कोई भूमिका है। दोज अपॉइंटमेंट यूज टू बी डन बाय द हाई कोर्ट देमसेल्व्स और एट देयर इंस्टेंस बाय द कंसर्न पब्लिक सर्विस कमीशन। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL में इन सबों का एक कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल सिलेक्शन हो इसके लिए निर्देश दिया था।